गगनचर प्रवाह पावितस्तरे गलम्य लंबितांबुजंकुटुकपालिकाण्डवं तनोतु न शिव 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 गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज की सुबह देख सकते हैं यार बहुत सुंदर और बढ़िया। अभी जाएंगे हम लोग मंदिर तक। तो फिलहाल चाय के साथ मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। तो चाय के स्टॉल है तो चाय ट्राई करते हैं। सुबह में चाय ना पिए तो यार मॉर्निंग ही नहीं होती ऐसा लगता है। इसको खत्म करते हैं यार और आगे बढ़ते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है उज्जैन रेलवे स्टेशन। आप कहीं पे भी रहते हो तो सीधा ट्रेन पकड़िए और उज्जैन का टिकट कटवा के आ जाइए यार। और सामने ही सब होटल यहाँ पे, तो वहाँ रूम ले सकते हैं। और मंदिर भी यहाँ से नज़दीक ही है, 1.5-2 किलोमीटर है, तो बहुत दूर नहीं, वो भी नज़दीक है। तो जिसका इंतजार था वह टाइम आ चुका है दोस्तों। आगे बढ़ रहे अभी महाकाल मंदिर तक की जर्नी हमारी है, तो जरूर दर्शन करेंगे हम लोग, आपको भी करवाएंगे। तो हर हर महादेव जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में और लाइक कीजिए वीडियो को। रुद्राक्ष और माला ले सकते हैं आप, और रुद्राक्ष भी है यहाँ पे। यहाँ स्पेशल टीका लगने जा रहा है महाकाल का। तो फाइनली हमारी हो चुकी है वीआईपी एंट्री, जा रहे अंदर। तो नहीं ले जाएगा तो हारन पड़ना तो दूर था। ठीक है तो फाइनल गाइस चलेंगे। टिकट कहाँ से? प्रेस से। वो लाल बोर्ड लगा। तो हमारी एंट्री हो चुकी है यहाँ से प्रेस में। तो ये चीज हमारे पास है इसीलिए हम यहाँ से जा रहे हैं, वरना जनरल से जाना पड़ता है और टिकट भी लगता है, तो वो ध्यान जरूर रखें। और हमारे प्रेस की ताकत कैसी लगी? देखो ये हमारा कैमरामैन है दरवेश माछी, जो करजन से आए हुए हैं। और इधर हम वीआईपी एंट्री में चले हैं और दर्शन करेंगे और सबको, दर्शकों को भी दर्शन करवाएंगे यार। और हमारे साथ एक छोटी बच्ची भी है हमारे साथ। गोली भाई, गोली बोल दे भाई भाई, इसका नाम है गोलू। तो इतनी प्यारी सी बच्ची है तो जरूर से एक लाइक दबा दीजिए यार। हाँ, सही बात है, लाइक बनता है। और हमारे स्पेशल शिव भक्त है, ये तीन है शिव भक्त है, ये स्पेशल है। तो चलते हैं आगे और दर्शन करवाएंगे आप सभी लोगों को भी। तो जरूर हर हर महादेव के साथ हर हर महादेव। तो फाइनली हम लोग मंदिर तक हम पहुंच चुके हैं। सामने ही मंदिर है और जहाँ तक दर्शन करवा सकते हैं वहाँ तक करवा देंगे हम लोग। यही है यार मंदिर। चलागति गगनचर प्रवाह पावितस्तरे गलम्य लंबितांबुजंकुटुकपालिकाण्डवं तनोतु न शिव शिव शिव। संभ्रमं प्रमन्मलिं तदन्
और आपको भी करवाए तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। मेरे पीछे देख सकते हैं यार महादेव का मंदिर है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो मंदिर है मेन वो मेरे पीछे है, और आपको भी बहुत अच्छी तरह दर्शन हुए तो जरूर यार कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। और बार बार बोलूँगा यार क्योंकि यह नाम मुझे जाता ही नहीं है, तो हर हर महादेव। ये प्रसाद काउंटर है, यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं, बेस्ट प्रसाद यहीं मिलता है, तो यहाँ से जरूर बने तो यहाँ से ही ले लिया। हमने प्रसाद ले लिया यहाँ पे 100 रुपये का, 250 ग्राम है एक बॉक्स, तो मंदिर का प्रसाद बेस्ट रहता है, तो जरूर हम लोग ट्राई करते हैं कि मंदिर में से ही लेते सभी जगह। और अभी चलते हैं देखते हैं आगे क्या क्या होता है। जहाँ से एंटर हुए थे उससे आगे ही थोड़ा एग्जिट था, तो वहाँ से हम लोग अभी बाहर आ चुके हैं। चलते हमारी गाड़ी में प्रसाद व्रसाद रख देते, बाद में काल भैरव बाबा की भी दर्शन करवाएंगे आपको। चलते आगे। घुमाएंगे यार, बताएंगे क्या उज्जैन के जो नाइट सिटी है, जो नाइट स्टाइल है फूड के, वो आपको जरूर जर्नी करवाएंगे और दिखाते हैं। और होटल पे खाएंगे, और शॉप का नाम है श्री सावरिया से, तो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने है शॉप भाई की, तो जरूर ट्राई कीजिए आप एक बार आके। तो क्या क्या मिलता है भाई यहाँ पे? और ये लोकेशन रेलवे स्टेशन के सामने है ना बिल्कुल, तो ठीक है भाई आप भी ट्राई कीजिए और बहुत बढ़िया तरीके से खिलाएंगे। चटपट और ये रोड देख सकते हैं नाइट का, तो अभी फेंटा ले लिया है, सोशियो नहीं मिला, थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए अभी फेंटा लिया, तो अभी चलते हैं होटल पे जो पॉप लिया है उसके साथ फेंटा, दोनों का मिक्सर धमाका बुलाएंगे यार। बाद में वहाँ थोड़ा फ्रेश होके खाने के लिए जाएंगे, तो इसे फ्रेश फूड यानी कि इसी गले का स्वाद देखते हैं यार वीडियो में। मेरे पीछे देख सकते हैं मंगस गेस्ट हाउस, यहाँ पे हमने लिया था, तभी चलते रूम पे। तो
जो हमने पब लाए थे वो भी ट्राई कर लेना पाचर से अध्याय और ठंडी ठंडी फैन था ट्राई करते हैं सिटी में जाके। उज्जैन की गलियों में हम लोग घूमते हैं अभी, देखते हैं आगे। सामने देख सकते हैं यहाँ पे शराब का ठेका है यार, तो हम लोग तो उससे दूर ही रहते हैं और खाने के वो आगे बढ़ते हैं खाने के लिए। होटल का भी रेस्टोरेंट में जाएंगे अभी खाना खाने के लिए। पंजाबी थाली आ चुकी है, देख सकते हैं ये है राइस, ये पनीर की सब्जी है, ये दाल है, ये रायता है और ये मीठे में रसगुल्ला है और ये दाल है, ये दाल पर दाल राइस पनीर सब्जी। तो गाइस हमारी थाली आ चुकी है, वो सभी चीज़ें आपने देखी, ये 150 में है सारी चीज़। और हमारी पूरी टीम यहाँ पे ये थे, नीतीश भाई हैं, आकाश भाई हैं, अभी भाई और कैसा लगा वो बोलना है। मंडे के अभी नहीं आया तो पापड़ भी अभी बाकी है, ट्राई करते देखते यार कैसा टेस्ट है, वो दीदी को देंगे हम लोग अभी टेस्ट करते हैं। पनीर की सब्जी है, पनीर की बड़ी की बाइक ले लेते हैं, एक और सब्जी है, आलू मटर की सब्जी है, दोनों सब्जी में से आलू मटर बेटर है और सलाद। दूसरा बहुत कम है सिंपल, ये कम खटाओ में इसको छोड़ देते हैं। एक और बाइक के ले लेते हैं, इसमें हल्का सा नमक ज़्यादा है। थोड़ा अच्छा नहीं लगा मेरे को ये वाला आलू और मटर की सब्जी, प्याज क्या ना कब से बोला है लेकिन लेके नहीं आता ये, जल्दी लेके आ। हाँ तो जल्दी लेके आ, अभी ट्राई कर लेते हैं दाल और इस वजह से भी अच्छे हैं। दाल अच्छे और इसमें चने की दाल है, मिक्स बने तो बढ़िया है तेज भाई। और लास्ट में मीठा एक कॉम्प्लीमेंट्री के लिए दिया है,
जब हमने केदारनाथ वाले सूरज के भी तभी भी हमको ऑनलाइन हमने मंगवाया था, तभी एक दिया था ये भी दिए थे और यहाँ यही चल रहा है यहाँ पे तभी ये भी इसका भी अच्छा है। तो रेटिंग और कुछ पापड़ अभी है, जो सर्विस है वो थोड़ी स्लो है तो सर्विस इनको बेहतर करनी चाहिए, यही बोलना चाहूँगा। और टेस्ट वाइज 10 में से 4-5 ही रेटिंग देना चाहूँगा इस खाने, क्योंकि कई सारी यहाँ पे होटल है तो ऐसे यार स्ट्रीट फूड एंजॉय कीजिए, इसको भी अवॉइड कर सकते हैं। और खाना है डर के बोलते जरूर आइए यहाँ पे, हम मिलते अभी खाना ख़त्म करने के बाद। जो चीज़ मंगाई थी आप देख सकते हैं इतनी बच जो चीज़ है उतनी पसंद आई है। होटल वाइज लोकेशन अच्छा है लेकिन फूड टेस्ट इसको बढ़ाना चाहिए यहाँ के। और रेटिंग तो मैंने पहले ही 10 में से 5 सिर्फ होटल की जो लोकेशन है उसके वजह से ही दूंगा, लेकिन जो डिलीवर जो स्टाफ है वो भी नहीं ठीक है यार, और खाना भी इतना अच्छा नहीं है। तो फाइनली खाना ख़त्म कर लिया हम सभी लोगों ने, 1140 का बिल बना। तो आपका पता नहीं यार, मैं तो अभी यहाँ पे नहीं आऊँगा दूसरी बार, तो चलते आगे इस नाइट के मुसाफरी को आगे बढ़ाते हैं। कई सारी चीज़ हम लोग ट्राई करेंगे यार। तो भाई कैसा लगा? अरे मैं नहीं मज़ा, अभी दूसरी बार नहीं आना, इधर नहीं आने का भाई, ये सब एमपी में लूटने वाले धंधे है, नहीं आने का। हाँ तो चलते हैं स्ट्रीट फूड के सफर में आगे बढ़ते हैं और घूमते और नई चीज ट्राई करते हैं यार। रिक्शा ले लिया मंदिर तक के, चलते यार यहाँ के लाइफस्टाइल दिखाएंगे आप सभी को। गली में वो माल मिलता है तो एमपी नहीं, ये गोलो ट्रेंडिंग में था वो गोल के लिए होटल का जो शूट किया था ना उसमें इसका ही बर्थडे था, वो सेलिब्रेशन किया था हमने। ये गोलो है ना उसको एमपी नहीं पसंद है, उसको गुजराती पसंद है। आप सामने देख सकते हो महाकाल का वहाँ मंदिर है, यहाँ से शिखर दिख रहा है, नींबू सोडा पी लेते यहाँ। चलो नमकीन ओकर पकड़ो, आओ नमकीन चले जाओ इधर, चलो जल्दी आओ एक और नमकीन। इधर को शाम को मत आना, एमपी वाले सब इधर लूटते बनाते है, पड़ गई है रिश्ता करने एक मन बनाते है भाई, थोड़ा भी चिखा। मंदिर में भी आर्मी चल रही है वहाँ पे, वो स्क्रीन देख रहे हैं तो
आपको भी दर्शन करवाए, लेकिन यार यहाँ तक पहुँचा हो तो दिल में उस मंदिर तक गर्भगृह में जाने की बहुत इच्छा हो चुकी है। अभी मैं महादेव से बोलना चाहूँगा ऐसी शक्ति दे कि अभी तुरंत आपके पास दर्शन के लिए वहाँ पहुँच जाओ यार, ये दिल को छू लेने वाला है और साक्षात अनुभव हो चुका है मेरे को। तो जरूर हम लोग आज तो नहीं कल तक दर्शन कर पाएंगे, लेकिन कल जरूर हम लोग वहाँ जाएंगे दर्शन के लिए। तो मेरा लगे के लिए और सुबह आज जो पालकी यात्रा थी वो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी। तो आज जो फेस्टिवल था वो आप देख सकते हैं पालकी। Okay.